प्रशांत, यस यस, प्रशांत खरे जी, आपने मेरे हिसाब से टिमलिस पे काम किया है ना, टिमलिस। तो आप क्या टिप्पणी करना चाहोगे टिमलिस पे? यस प्रशांत जी, प्रशांत खरे जी, आप ऑनलाइन हो क्या अभी? ओके, मेरे ख्याल से प्रशांत जी ऑनलाइन नहीं है अभी, तो हम उनसे बातचीत नहीं कर पाएंगे। लेट मी स्टिल गिव अ लास्ट कॉल। प्रशांत जी, आर यू ऑनलाइन राइट नाउ? चिंतन भाई, हेलो यस, सर, आवाज आ रही है? हाँ अरे एकदम क्लियर आ रही है, हाँ आ रही सर, है प्रशांत जी। ओके ओके सर। सर प्रशांत जी, आप टीमलिस्ट, मोबाइल पे हो कि लैपटॉप पे हो? सर एक्चुअली मैं डेस्कटॉप पे देख रहा हूँ और मोबाइल से बात अच्छा, कर अरे वाह, तो आपने तो बढ़िया रिसर्च कर दिया इसका भी। बढ़िया रहा हूँ बढ़िया, लेकिन आप प्रेजेंट कर पाओगे? मैं आपको प्रेजेंटर बना देता हूँ, तो क्या डेस्कटॉप में से आपकी स्क्रीन शेयर करो ताकि आप समझा सकोगे अच्छी ओके तरह से, है ना? तो ठीक है आपको सर, श्योर, आज ये भी करके देख लेते हैं सर। यस यस, लेकिन आपका प्रेजेंट, आपका क्या नाम से है? क्योंकि एक नाम बता रहा सर है सर प्रशांत खरे, पर वो तो आपका मोबाइल है। ये प्रश अब ओके, प्रशांत बढ़िया खरे के बढ़िया, नाम से ही होना चाहिए। मिल गया, प्रशांत वेब करके लिखा हुआ है। ओके ओके यस प्रशांत जी, नाउ यू आर अ प्रेजेंटर। आप क्या ओके सर, कीजिए, आपकी स्क्रीन पे नीचे स्क्रीन लिखा हुआ आएगा, हाँ सर माइक दिख रहा। या उसको शेयर कर दीजिए, फिर काम स्टार्ट। ओके सर, हो गया क्या? यस, आपका स्क्रीन सामने है। ओके, मैं अब शीट लगा लूँ इसमें? यस, यस लगा सर, है दीजिए, ना, दिख रही है सिक्स? दिख रहा है? खाली एक काम करो ना प्रशांत जी, हाँ ये सर, व्यू में जाओ, व्यू दिख रहा है आपको? बिहेवियर एनालिसिस के ऊपर व्यू लिखा है आपकी शीट में। हाँ, ये व्यू, व्यू हाँ, के नीचे 100% लिखा हुआ है, दिख रहा है? हाँ, वो सर, व्यू, यस, उसको आप थोड़ा बड़ा कर दीजिए ना, 100 के हाँ सर, बदले 150 कर ये दीजिए। हो गया, दिख गया सर, हो गया, हाँ कर दिया। यस, ओके अभी क्लियर है, गुड, अभी दिख रहा है। ओके, यस सर। तो यस, इसका टीम बेटर लीड है, जो बेटर है। है, ये यस स्पेशल स्पेशल कंज्यूमर सर्विस की कंपनी है और इसका आईपीओ 2016 से आया था। तो बीएससी की साइट पे मुझे डाटा जो है 2016 टू 2019 तक मिले हैं। उसके बाद प्रीवियस डाटा जो मुझे मिले हैं वो चित्तौड़गढ़.com से उठाए हैं मैंने। और ओके, हाँ, इसके बाद में मैं देखता हूँ कि 2011 से जो मुझे डाटा मिले हैं टिल 2019, इसने जो है राइट, सीएजीआर ग्रोथ दिया है 26% का और प्रॉफिट ग्रोथ दिया है 12% के करीब ओके, 2011 से। पर आईपीओ आने के बाद में इसने जबरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है, दैट इज राउंड अबाउट 58% सर, एंड 22% ओके, इज द रेवेन्यू ग्रोथ। राइट, इसके बाद में इस साल के जो मैंने 9 month रिजल्ट निकाले हैं, इस साल जो है यस, करीबन 18% का ग्रोथ आया है सेल्स के अंदर कंपेयर टू लास्ट ईयर। राइट, एक्सपेंस भी 18.5% से बढ़ा हुआ है और इस बार जो है इनका फाइनेंस कॉस्ट जो है वो करीबन 132% से बढ़ा हुआ है सर, जो इनके राइट, ऊपर डेप्थ आप थोड़ा प्रशांत जी, ज्यादा हुआ है। हाँ राइट, सर, नो नो, प्रशांत जी, मैं चाहूंगा फाइनेंस कोस्ट में थोड़ा इस साल ढील दे, क्योंकि एक नया टर्म ऐड हुआ है अकाउंटिंग में, जिसके कारण आपको मेजोरिटी ऑफ कंपनीज के फाइनेंस बढ़े हुए दिखेंगे, यस सर, तो इस साल कंपेरेबल नहीं है, पर हम अगले साल ओके से ओके फाइनेंस कंपेयर करेंगे वापस, राइट? ओके ओके। और यस, इस बार जो है सर, वन बैड थिंग इसके अंदर जो मुझे मिली है कि -11% का इसमें प्रॉफिट डी ग्रोथ है सर, एंड दैट स्ट्रेट वे रिफ्लेक्टेड इन द ईपीएस आल्सो। राइट,
एक और इस कंपनी के साथ में ड्रॉबैक ये है कि दे आर वर्किंग ऑन वेरी लो मार्जिन, मीन्स जस्ट एवरेज मार्जिन इसका है 1.96 जी में, 21 पे मैंने लिखा हुआ है एवरेज मार्जिन। राइट, करेक्ट, हाँ सर सही बात है, बहुत कम मार्जिन पे ये लोग धंधा कर रहे हैं। हाँ, बीच में एक बार 0.32 भी था, है ना। हाँ, और सर इस फाइनेंस कॉस्ट की वजह से मुझे लगता है कि इनका आईसीआर पे भी इफेक्ट पड़ा है सर इस साल। राइट, लेकिन फिर भी क्या है प्रशांत जी, देखो फाइनेंस कॉस्ट बहुत बड़ा नहीं है, 64 करोड़ के प्रॉफिट करने वाली कंपनी के लिए 8 करोड़ फाइनेंस इज समथिंग, है ना। ओके ओके, तो वो थोड़ा जाने देते हैं। आईसीआर बड़ा इसलिए है क्योंकि खर्चे इनके बढ़ गए हैं, एक्सपेंस ओके ओके, 18% से है बराबर है। अब सर इनके एक्सपेंस में भी जो मेन कॉस्ट आती है दैट इज एम्प्लॉय कॉस्ट आती है सर, दैट इज राउंड अबाउट 96%। बराबर है, क्योंकि ये कंपनी का काम ही है एम्प्लॉय प्रोवाइड करना, मेन पावर पावर जो है वो दे रहा है सर। राइट, अच्छा सर एक चीज मुझे ये पूछना थी खास, इसके अंदर जो वैल्यूएशन निकाल रहा हूं मैं, तो मुझे 2011 से लेना है या जब से आईपीओ आया तब से लेना है, क्योंकि 2011 से तो इसने सेल्स ग्रोथ अच्छा बताया है और आईपीओ आया तब से इसने जो है 58% का प्रॉफिट ग्रोथ बताया, पर जो है प्रॉफिट ग्रोथ सिंस 2011 जस्ट 12% ही है, तो ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इसमें 12% लो। हाँ सर, क्योंकि हमें आईपीओ से लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है कि आईपीओ आने से कंपनी सुधरती या बिगड़ती है, है ना। आईपीओ तो एक कॉर्पोरेट एक्शन है, ओवरऑल कंपनी ने क्या परफॉर्म किया वो देखना है, तो 12% हमें लेना पड़ेगा। ओके ओके, पर एस्टिमेशन के लिए मैंने जो है इसका 20% लिया है सर, प्रॉफिट ग्रोथ भी 24% 12 कर देना पड़ेगा। ओके 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 ओके, इसको एक्चुअली लो मैं, हाँ जो एक्चुअल है वो 2030 तक के लिए। अगर प्रशांत जी 25% ग्रोथ होता तो आप 20 लेते, आप घटा के लेते, पर घटे हुए ग्रोथ को आप बढ़ा के नहीं ले सकते हो, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। जब कंपनी ने ही परफॉर्म नहीं किया है तो हम तो नहीं कह सकते कि परफॉर्म करेगी, है ना। नहीं सर, इसमें एक चीज मुझे अच्छी लग रही है कि इसका सेल्स जो है हर साल बढ़ते जा रहा है सर। करेक्ट, डिमांड जबरदस्त है, प्रॉफिट भी बढ़ेगा इनका, बराबर है। पर फिर भी सेफ्टी पर्पस के लिए 12 ही लेना। लेकिन एक चीज मैं जानना चाहता हूं प्रशांत जी, आपने जो डेटा लिए है वो कंसोलिडेटेड लिए है सर? ये कंसोलिडेटेड ही है, ये जो जब से आईपीओ आया ना तब से कंसोलिडेटेड। राइट राइट ओके, अब आपने जो चित्तौड़गढ़ से लिए ना, अब थोड़ा क्या करना, एनुअल रिपोर्ट में से लेने का प्रयत्न करना, क्योंकि चित्तौड़गढ़ हमने शॉर्टकट लिया था, शॉर्टकट मतलब फटाफट चलो करते हैं, ये कंपनी लंबे समय के लिए खरीदने वाले हैं, तो एनुअल रिपोर्ट एक बढ़िया जगह होगी जहां से आपको कंसोलिडेटेड डेटा मिलेंगे, बराबर ना। राइट ओके, अच्छा सर एक ये चीज में, इसका एवरेज पी जो है जब से हाई प्राइस लो प्राइस और हाई पी लो पी मिले इसका 44 के करीब आ रहा है, जबकि आपने कहा है कि 30 का पी लेना है, तो 30 का पी क्यों सर? देखो 30 इसलिए क्योंकि ये 3 साल की हिस्ट्री से आप कभी पी नहीं ढूंढ सकते हो। ओके, खाली 3 साल हुए हैं, हम कैसे इसका बिहेवियर पता चला सकते हैं, है ना। श्योर, तो 3 साल में तो हो सकता है बाजार अच्छा हो तो भी इनके हाई पी चल रहे हो, बाजार बुरा हो तो लो पी भी चल रहे होंगे, तो हम इनके 2-3 साल के पी बिल्कुल कंसीडर नहीं करेंगे, सीधा 30 ले लेंगे, तो 30 एक बाजार के लिए एवरेज है। ओके अच्छा, एक और चीज, मैंने इस साल का बाइंग प्राइस जो है -11% ग्रोथ के हिसाब से निकाला है सर इन ईपीएस, तो उस हिसाब से जो है, पर अब 2021 के लिए भी मैं क्या एज्यूम करूं सर इसके अंदर, की अब तो कोरोना इफेक्ट भी आ गया है, तो इसका ईपीएस जो है माइनस में कंसीडर करूं या बढ़ा के ले सकते हैं सर? माइनस तो बड़े ओके, देखो हकीकत है प्रशांत जी कि इस साल इनका प्रॉफिट घटा है, तो हम यस सर, हम आने वाले साल तुरंत एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि अचानक बढ़ जाएगा। ओके, आप ये सोचो कि ट्रेंड अभी कंटिन्यू है, आप नेगेटिव हो शॉर्ट टर्म में, अब आप नेगेटिव हो शॉर्ट टर्म में तो आपका लेने का भाव भी नीचे हुआ है, और मान लीजिए कि इनके प्रॉफिट बढ़ के नहीं आते हैं,
पर घट के भी नहीं आते, 0% आते हैं। ओके, इसमें क्या होगा सर? ये अच्छी बात रहेगी ना कि कम से कम यानी जो है नेगेटिव से पॉजिटिव में आ रहा है। देखो प्रशांत जी, यही समझना सबसे इंपॉर्टेंट है कि 0% आया तो भी आप खुश हो। तो टीवी में जब अनाउंस होगा कि टीमलिस का प्रॉफिट 0% से बढ़ा, उस दिन ये 20% बढ़ेगा, 20%, और लोग बोलेंगे कि ये चोर बाजार शेयर बाजार है। देखो 0% से प्रॉफिट बढ़ा तो भी शेयर क्यों चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए चल रहा है क्योंकि आपने एज्यूम किया था खराब और आया फ्लैट आउट परफॉर्मेंस, राइट? अच्छा सर, इसका SSH, SSH पैटर्न देखा है मैंने, जिसमें इस साल इसने जो है 2080 में HDFC AMC ने राउंड अबाउट जो है इसका बड़ा 4.81% स्टेक सेल किया हुआ है, फिर भी 4.18% होल्डिंग है इनके पास में। बराबर है। और गोल्डमैन सैक्स AMC ने बढ़ाया है होल्डिंग। इसके बाद में अपन नीचे आते हैं सर। हाँ, इसका जो 2020 और एट द टाइम ऑफ IPO मैंने शेयर होल्डिंग पैटर्न डिस्कस किया, पर सर इसके अंदर मुझे चार्ट में वो रिफ्लेक्ट होते हुए बराबर दिखाई नहीं दे रहा, आप भी देख रहे होंगे शायद। क्योंकि प्रमोटर के पास में 2020 में 40.02% है और म्यूचुअल फंड में जो है 9.39 है, जबकि वही प्रमोटर के पास में इस बार रिड्यूस हुआ है एज कम्पेयर टू 2016। और सर एक इनके 1.23% प्लेस शेयर भी दिखे है मुझे। बराबर है, 1.23 बहुत बड़ी चीज नहीं है, नॉर्मल। okay. 1.23 नॉर्मल है। बराबर, चलेगा ये, कोई दिक्कत नहीं। पर सर एक चीज इसके अंदर गौर करने वाली है कि FII का जो 2006 में 16 में 9.90% था, वही जो है इस बार 41% हो गया 2020 में मार्च। बराबर है, क्योंकि ये FII ने अपने देश में देखा है कि ऐसी कंपनियों ने जबरदस्त ग्रोथ दिया है, तो इंडिया में भी आने वाले समय में ये इंडस्ट्री तगड़ी चलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और सर रिटेल में भी देखेंगे तो रिटेल में भी ऑलमोस्ट हाफ होल्डिंग हो गई है सर एज कम्पेयर टू IPO प्राइस। IPO के टाइम 6.16% था और अभी करंट में जस्ट 3.7% है। तो रिटेलरों का तो सब ये FII ले गए, इनको इंटरेस्ट नहीं है ना, वो शेयर चलेगा नहीं तो मजा नहीं आएगा। बराबर है सर, राइट। ओके ओके, बढ़िया, गुड, अच्छा काम किया आपने। और एक चीज खास जो है इनका मार्जिन जो है वो किस हिसाब से बढ़ सकता है, यानी या तो ये एम्प्लॉयमेंट पे कॉस्ट कम करे या ज्यादा मार्जिन लेके ऑर्डर ले सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, राइट? देखो अभी ये कंपनी ग्रोइंग फेज में है। ओके। हम ये देखें कि यही सेक्टर में बाकी की जो कंपनियां है उनके कितने मार्जिन है, तो इसके अलावा है क्विज कॉर्प, SIS, सब कंपनी एक दो टका ही है। हाँ सर, ये पूरी इंडस्ट्री कम मार्जिन पे अभी चल रही है क्योंकि ग्रोइंग। ओके। जैसे धीमे धीमे ये इंडस्ट्री बड़ी होगी, ये इंडस्ट्री के भी मार्जिन जो आज दो देख रहे हैं हम लोग, 4-5-6% हो जाएंगे। sure. तो बाकी की कंपनियों को भी फायदा होगा, पर आप देखो कि कंसिस्टेंट कौन है सारी में कंपनियों में से, जो कंपनी खराब समय में भी प्रॉफिट करती है वो कंपनी में निवेश करे। बराबर, जैसे कंसिडर किया जा सकता है सर, क्योंकि इसका सेल्स तो हर साल यानी म्यूटेट, इसके अंदर भी अच्छी ग्रोथ आ रही है सर। बहुत अच्छी ग्रोथ है, 100% हाई एग्रेसिव है, ये लोग हर साल 10-15 कंपनियों को खरीद रहे हैं और बड़े से बड़े बनते जा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि इंडिया में ये सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड है, तो छोटे छोटे बहुत से लोग है अलग अलग शहरों में जो ऑफिस लेके बैठे हैं, ये कंपनियां उनको खरीद खरीद के बड़ी होती जा रही है, राइट? ठीक है, डेफिनेटली हाई ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ से। ओके, और कौन सी कंपनी पे काम किया आपने प्रशांत जी? नहीं सर, एक ही पे किया है मैंने, टीमलिस पे। ओके, तो कुछ सीखने को मिला नई कंपनियों से भी आपको? हाँ सर, यानी मेन तो मुझे जो FII डाटा से बहुत सीखने को मिला है, यानी अपन इंडिया में जो रिटेल इन्वेस्टर कुछ इंटरेस्ट ही नहीं लेते ऐसी कंपनियों में से। हमें वो 5 रुपए वाली चाहिए ना। बराबर है, बराबर। बिल्कुल बिल्कुल, चलो चलो, बढ़िया बढ़िया, गुड वर्क, अच्छा काम किया है आपने भी प्रशांत जी। तो थैंक यू सर। अब मैं
बातचीत करना चाहूंगा यहाँ पे मेरे ख्याल से भूमि मैडम आप हो ऑनलाइन अभी, भूमि चांदवानी, यस भूमि मैडम इफ यू आर ऑनलाइन आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। यस सर गुड आफ्टरनून। यस मैडम गुड आफ्टरनून, चलिए गुड मॉर्निंग से गुड आफ्टरनून तो हो गया अभी। मैडम आपको IRCTC दिया हुआ था ना कुछ, उसमें प्रॉब्लम आया आपको? नहीं सर एक्चुअली मैं थोड़ा लेजी भी हो गई थी उसमें, बिकॉज ये फैब में उसका लिस्टिंग ये IPO आया है तो मुझे ऐसा लगा था कि अभी तो क्वार्टर भी फिनिश नहीं हुआ है तो मैं ज्यादा डेप्थ में गई नहीं। मैंने बोला क्वेरी सेशन में मैं सर से एक बार थोड़ा रफ आइडिया ले लूंगी उसके बाद। मैडम हमने क्या किया था मैडम इस बार, एक मिनट, यस हमने इस बार क्या किया था भूमि मैडम, सब लोगों को नई कंपनियां दी थी कि जिसके डेटा नहीं है आधे ही डेटा है। ये एक चैलेंजिंग काम था क्योंकि आपको चित्तौड़गढ़ या कोई भी और कोई वेबसाइट या तो फिर कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में से वही डेटा लेने थे, राइट। हमारा मैडम लॉजिक बिल्कुल क्लियर है, हमें चाहिए था सेल्स, हमें चाहिए थे प्रॉफिट, हम ग्रोथ देखना चाहते थे, तो ये सारी चीजें जहां से देखने को मिले हम डेटा ले सकते हैं, राइट। ये चीजों में कोई क्वेरी है भूमि मैडम आपको, आप कर सकते हो अभी जैसे दूसरे लोगों ने किया है वैसे ही? हेलो, यस मैडम सुनाई दे रही है आपकी आवाज। यस सर टाइमिंग मैं कर लूंगी अभी तो, इस वीक में पूरा फिनिश कर दूंगी। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बाकी काम आप सब लोगों का बहुत अच्छा है। यस कहिए मैडम। हाँ सर तीन चार और क्वेरीज थी सर, एक तो वो जो आपने ग्रीन डायरी बोला है ना मेंटेन करने के लिए, वो मेरा थोड़ा मिसमैनेज हो रहा है, आप प्लीज एक वीडियो शेयर करेंगे जिसमें आप अच्छे से हमको फॉर्मेट बना के दे कि हम विथ इंफॉर्मेशन उसमें कैसे जो रीजन है लेने का लॉन्ग टर्म के बेसिस पे वो थोड़ा हम मेंशन करके लिख सकते इंडस्ट्री वाइज, वो सर आपका जो होगा वो हमसे बहुत मतलब फॉरवर्ड होगा इसकी वजह से आप थोड़ा हमें गाइड कीजिए। बराबर मैडम, फॉरवर्ड तो नहीं है, एकदम सिंपल है, जैसे मैंने दिवाली में जो शेयर आप लोगों के साथ शेयर किए थे भी ये सब शेयर मैंने मेरे पास है, वो वही ग्रीन डायरी का एक पार्ट है कि क्या एकदम सिंपल रखे कि भी ये सारी कंपनियां मुझे लेनी है। मैंने पहला पेज क्या बनाया है कंट्री का कि कौन सी कंट्री बढ़ रही है, तो इंडिया है, मेरे दो तीन कंट्री के नाम है कि चलो ये सारी कंट्री बढ़ रही है। मेरा दूसरा पेज है इंडस्ट्रीज का कि मैं ये सारी इंडस्ट्री पे ध्यान रखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पोर्टफोलियो हो 50% से ज्यादा पोर्टफोलियो तो 100% ग्रोइंग में ही हो, बराबर है। ऐसा होता जैसे मेरे ऑटो कंपनियों में भी निवेश है वो अभी ग्रोइंग नहीं है जी, बराबर, पर फिर भी टोटल पोर्टफोलियो में से 50% से ज्यादा जो वेटेज मेरा ग्रोइंग में ही होना चाहिए, मुझे ये मैनेज रखना है, राइट। तो मैंने इंडस्ट्री का एक पेज बनाया, तीसरा पेज मैंने मेरी डायरी में बनाया है अच्छी अच्छी कंपनियों का कि भी ये सब क्वालिटी कंपनी है वो ही ग्रोइंग इंडस्ट्री में से, राइट। और उनके नेगेटिव पॉइंट लिखे, जैसे आज नेगेटिव पॉइंट हम सब लोगों ने यहाँ पे भी चर्चा की है कि भी ये कंपनी का नेगेटिव पॉइंट ये है, ये कंपनी का नेगेटिव पॉइंट है ये है, राइट, ताकि हमें नेगेटिव चीज भी पता रहे हमारी कंपनी की, बराबर। बस इतना सा काम हो गया और हमारी ग्रीन डायरी रेडी हो गई। ओके सर, बस वही था कि जैसे हम क्वेरी सेशन में डिस्कस करते हैं तो वो चीजें हम एड ऑन करते जाएं कि नेगेटिव व्हाटएवर इट मे बी, नेगेटिव और पॉजिटिव वो हम जस्ट एड ऑन करते जाएं, बराबर है, राइट। ओके सर, हाँ सर, और एक ये जो मैंने ये ऐप प्रमोटर्स वगैरह के जो स्टेक्स के हैं टेबल्स उसमें एक मैंने देखा था महान इम्पैक्ट्स करके कुछ है, वो ये अमित शाह के बेटे और इनके रिलेटिव्स के लिए, लेकिन वो पूरी सब ब्लैंक आ रहा है, उसका ब्लैक डेटा है, कुछ है ही नहीं, तो ये सर थोड़ा आप नॉलेज देंगे कि ये सब क्या है, मतलब कौन सी कंपनी बताई आपने? महान इम्पैक्ट्स, महान MHAAN, बराबर एक मिनट, स्क्रीन दिख रही है, मैंने ओपन किया BSE है ना, MHAAN महान इंडस्ट्रीज, ओके okay.
देखिए कॉमर्शियल ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ये सेगमेंट में कंपनी आए ना, तो पहले इसको 10 बार सोच के ले लेगी, क्योंकि जो भी गफले वाली होती है वो कॉमर्शियल ट्रेडिंग में होती है, या तो फिर फाइनेंस कंपनियों में बहुत गफले वाली कंपनियां होती है, राइट। वो आजकल ये सब कम हो गया है, पर पहले तो ये बहुत था। आपको 50% कंपनी ऐसी मिलती थी जो सिर्फ और सिर्फ आपका पैसा लेने आई है, राइट। ओके, ये कंपनी करती क्या है, इनके कुछ धंधे है? देखो कुछ धंधा ही नहीं है ये कंपनी का, तो खाली खर्चा है, धंधा तो कुछ भी नहीं है। तो ये सब कंपनियों को देख के कोई फायदा नहीं है। नहीं एक्चुअली सर, वो नाम जो था ना वो थोड़ा मुझे अट्रैक्ट किया, अमित शाह के बेटे का नाम था तो इसकी वजह से। पर देखो कोई भी हो, मोदी हो, तो भी धंधे आप रेवेन्यू तो करना पड़ेगा बराबर। अगर आपकी कंपनी धंधा नहीं कर पाएगी तो फिर वो कंपनी कोई काम की नहीं है बराबर। फिर चाहे किसी का भी होल्डिंग क्यों ना हो, राइट। और चाहे कोई ऐसे व्यक्ति का कंपनी क्यों ना हो जिसे हम जानते भी नहीं है, पर अगर उनके धंधे अच्छे हैं, प्रॉफिट अच्छे हैं, तो हम वहां पे निवेश कर सकते हैं। ओके सर, तो देखना नहीं है ना अभी इसका तो कुछ आगे? नहीं, नो सर, नो। ओके, चलिए तो वी आर एट 12:58, एक बजने को आया है, राइट। मेरी बेटी ने 12:15 का टाइम दिया था। आशा रखता हूं हम आज के क्वेरी सेशन में कई चीज कवर कर पाए हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज है दोस्तों, वो क्या है जो अभी भूमि मैडम ने बताई कि अब आपको लिस्ट बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए कि कौन सी इंडस्ट्री पे आप फोकस करने वाले हो, कौन सी कंपनियों पे फोकस करोगे। आपने फंडामेंटल में कई चीजें सीखी है, और मेरे हिसाब से फंडामेंटल्स को बिल्कुल सिंपल रखे, सिंपल का क्या मतलब हुआ, ये जो सब आपने चीजें देखी ये सिंपल है, धंधा देख रहे हो, प्रॉफिट देख रहे हो, होल्डिंग देख रहे हो, दिस ऑल आर सिंपल थिंग्स। हम चाहे तो इसे कॉम्प्लिकेटेड कोर्स बना सकते हैं, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा पर वो कोई काम का नहीं होगा। सो लेट इट बी वेरी सिंपल, इसे एकदम सिंपल रहने दो। आपको पता चल चुका है कौन सी इंडस्ट्रीज पे ध्यान देना, कौन सी कंपनियों पे ध्यान देना, राइट। बहुत सी बार ऐसा जानने को मिलता है कि भाई फंडामेंटल काम के नहीं है, टेक्निकल काम के, अब ये सब बातें पुरानी हो गई। मेरे हिसाब से देखिए, कल ही एलेंबिक फार्मा के रिजल्ट आए, एलेंबिक फार्मा के रिजल्ट कल भले आए, पिछले क्वार्टर के जो रिजल्ट थे वो 9 मंथ के रिजल्ट, 6 मंथ के रिजल्ट देख के ही हमने उस समय एक बात रखी थी कि इस साल ये कंपनी लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट देने वाली है, तो ब्रेकआउट तो देना ही था। अभी तक ब्रेकआउट दिया नहीं है, नए हाई पे गई नहीं है, पर देखो रिजल्ट ने आपको एडवांस में बता दिया कि अब ये कंपनी नए टेरिटरी में एंटर होगी और हम इसे करीबन 2-3 गुना होते हुए देखेंगे। तो इसी प्रकार से रिजल्ट आपको गाइड करेंगे। अब एलेंबिक फार्मा फार्मा की है, तो बाकी फार्मा देखो, देखो सारी फार्मा के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो आप ऐसी कंपनियों पे ट्रस्ट रख सकते हो। तो फंडामेंटल्स आपको बहुत बढ़िया गाइड करने वाले हैं, राइट। हम फंडामेंटल्स की जो किताब है उसे कुछ समय के लिए अभी यहां पे बंद करेंगे, और आप कल से नहीं, आप आज से सीखने वाले हो टेक्निकल्स। आज शाम को चार्ट्स के रिलेटेड जो भी लर्निंग है वो सब वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगी, तो मैं चाहूंगा 9th वीक में आप लोग चार्ट पे प्रैक्टिस करो। हम लोग चार्ट और फंडामेंटल ये दोनों को मर्ज करने वाले हैं, जो आप फंडामेंटल में सीखे वही चीज चार्ट में आपको काम लगेगी। तो आने वाले 2 वीक हम लोग चार्ट पे बहुत कसरत करने वाले हैं, राइट फ्रेंड्स। सो गेट रेडी फॉर द न्यू सेशन फ्रॉम टुडे इवनिंग। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक पे एवरीबॉडी। हां जी कहिए कहिए सर, विकास कुमार बोल रहा हूं। हेलो विकास कुमार, हाँ कहिए विकास जी। सर मेरी ना एक क्वेरी थी, आवाज सुनाई दे रही है आपकी। सर मेरी एक क्वेरी थी, मैंने फॉर्म में भी डाली थी कि आईपीओ जो आते हैं हमारे, आईपीओ आते हैं ना, आईपीओ जैसे लास्ट टाइम एसबीआई कार्ड का आईपीओ आया था, तो आपने रेंज बताई थी कि बाइंग रेंज इसकी जो इतनी होगी। मेरी क्वेरी ये कि इसकी बाइंग रेंज हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे, क्योंकि हमारे पास प्राइस वैल्यूएशन तो है नहीं, पी तो हमारे पास है नहीं,
तो क्या मेरे एस्टिमेट से क्या इसकी यील्ड के हिसाब से हम इसकी वैल्यूएशन निकालेंगे यील्ड निकालने के बाद? देखो मैं क्या करता हूँ, जनरली कोई भी कंपनी आती है राइट, तो मैं ये सोच के चलता हूँ कि ये कंपनी का 30 के करीब का पी एवरेज पी होना चाहिए, 30 का पी, क्योंकि जो भी नई कंपनी के आईपीओ आते हैं ये सब ग्रोइंग इंडस्ट्री से आते हैं। देखो आज आप कोई ऐसी कंपनी का आईपीओ नहीं देखोगे जो स्टील इंडस्ट्री डाल रही है राइट, क्योंकि पुरानी इंडस्ट्री में इन्वेस्टरों को इंटरेस्ट नहीं है, नई जो इंडस्ट्री है वहां पे ग्रोथ होता है, तो ग्रोइंग इंडस्ट्री करीबन 30 के पी पे तो होती ही है राइट। ओके 30 के पी से आप अगर कंसीडर करोगे तो आपको टारगेट भी मिल जाएंगे और बाइंग रेंज भी मिल जाएगी बराबर, प्रोवाइडेड मुझे वो कंपनी में ग्रोथ चाहिए। देखो आईआरसीटीसी में ग्रोथ था, एसबीआई कार्ड में ग्रोथ था, हर एक कंपनी जिसमें ग्रोथ होगा 20% प्लस, कितना ग्रोथ चाहिए विकास भाई? 20%। क्यों 20%? क्योंकि आप ग्रोइंग इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहे हो, तो ग्रोइंग इंडस्ट्री है तो मुझे कम से कम 20% तो बढ़ता हुआ होना चाहिए, अगर 20% से बढ़ रहा है तो अपना हाईवे क्लियर है राइट विकास जी। ठीक है, इट मींस 30 का पी हम कम से कम लेके चले फिर चलेंगे। हाँ राइट, 30 का पी लेके चलने का, कि ये पी रहेगा आने वाले 5-1 साल तक। तो सर इसको हम यील्ड के, हम यील्ड के हिसाब से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मैं भी और का देख रहा था जब आईपीओ आया था तो इसका 7.75 को आया। हाँ ओके, तो मैंने इसका यील्ड देखा था तो वो 1% बन रहा था, तो यील्ड कम मैंने बढ़ाया तो इसकी जो वैल्यूएशन थी वो नियर अबाउट 570 आती थी। बराबर है, कौन सी कंपनी की बात कर रहे हो यार? एसबीआई कार्ड। ये देखो एसबीआई कार्ड का अगर आप यील्ड देखोगे तो वो खाली 1% था। हाँ, तो वो आपने फॉरवर्ड ईपीएस देखा था, फॉरवर्ड ईपीएस मतलब पिछले साल का ईपीएस नहीं, इस साल का ईपीएस, तो उसमें आपको 35% प्रॉफिट एड करना पड़ेगा। हाँ जी है ना, तो यील्ड और बढ़ जाएगी। हाँ जी यील्ड बढ़ जाएगी, तो था कोई डाउट नहीं, हमने भी उसके रिव्यू में कहा था ये कंपनी बहुत महंगी है, जब भी टूट के 550 के करीब आती है हम ले सकते हैं है ना। हाँ जी हाँ जी, तो वो यील्ड को ध्यान में रख के ही मैंने बताया था राइट। हाँ जी वही मैंने कंसेप्ट वही से आपका उठाया ना यील्ड वाला, लॉजिक क्लियर रखो, कुछ भी पी बोलो यील्ड बोलो, हमें हमारा फंडा क्लियर रखना है, अच्छी कंपनी हो ग्रोइंग हो कोई दिक्कत नहीं बराबर। सर एक वन मिनट में आपका वो कहना चाहूंगा, मेरे पास अभी ना मैंने बंधन बैंक पे भी काम किया था तो उसकी हाँ, मैंने बाइंग रेंज जो निकाली थी ना तो उससे भी मैंने ये क्वेरी पे भी लिखा राइट राइट बराबर है, नंबर वन पे क्वेरी फॉर्म है उसके ऊपर लिखा है कि बंधन बैंक जो है वो अपनी लो रेंज से भी नीचे रहा है। हाँ सही बात है, इट मींस मैंने यही आपसे एक बार चेक कराई थी ये क्या वैल्यूएशन की ओके है, तो इसका मतलब ये 199 पे है तो बाइंग इसकी अग्रेसिव बनती है हमारी? नहीं देखो दो चीजें यहाँ पे एक तो पहली चीज बंधन बैंक की इक्विटी बढ़ गई है तो वो आपने कंसिडर कर लिया इसमें? सर ये देखिए सर बंधन बैंक में ना 2019 में इसका ग्रुप में मर्जर हुआ था, ग्रुप का मर्जर हुआ था। हाँ राइट, ये सबसे पहली हाँ जी, तो ईपीएस जो है वो हमारा ग्रुप का होने के कारण ईपीएस हमारा कम हो गया था, 12 समथिंग रह गया था स्टार्टिंग में, राइट हाँ A1 में चले वहाँ पर नजर आया। आपने मतलब सब कंसीडर किया है, देखो प्रॉफिट 90% सब कंसीडर किया राइट, पर ईपीएस खाली 40 से लिया है क्योंकि इक्विटी बढ़ी है, तो देखो 30% से प्रॉफिट तो बड़ा ही है, बंधन पे ज्यादा ही है। ये मैंने सर ये जो राइट ये 12.11 ये मैंने इसका ईपीएस जो है वो लेके चला हूं लेटेस्ट जो इसका कम हो गया था, यानी कि इसका टारगेट भी मैंने 12.11 के हिसाब से लिया और इसका जो अपना जो सारा फैक्टर मैंने 12.11 के हिसाब से सब लिया, 16.36 के बजाय 12.11 क्योंकि इसका ईपीएस ऑलरेडी कम हो गया था 2019 सितंबर में। बराबर है, तो इसकी वैल्यूएशन लोगों को बताऊंगा कि थोड़ा इसके ऊपर ध्यान दे, क्योंकि ऐसा बहुत बार होगा कि आपको मिसमैच लगेगा,
कि अर्निंग ज्यादा है फिर भी शेयर बहुत कम है भाव, कई बार ऐसा होगा कि अर्निंग कम है पर भाव ज्यादा हो जाते हैं, तो ये भाव या तो एडवांस में आगे दौड़ते हैं या एडवांस में टूटते हैं। ऐसा कब होता है? शॉर्ट टर्म पीरियड पे होता है जब हमारे एस्टिमेशन या तो ज्यादा अच्छे या बुरे होते हैं। क्या किया जाए? आप इसका एक आध क्वार्टर और देखोगे, अभी जो रिजल्ट आएंगे वो रिजल्ट के हिसाब से मैच हो जाएगा। देखो, बड़े निवेशकों ने पहले से एस्टिमेट लिया हुआ है कि इसके प्रॉफिट कम आने वाले हैं। कैसे? जैसे इनके मेजर बिजनेस बंगाल की तरफ है, और वैसे भी पिछले क्वार्टर में सीएए एनआरसी के रिलेटेड जो भी सब चल रहा था उसका मेन एपिक पॉइंट पहले बंगाल था, तो बंगाल में काफी घटनाएं घटी और जिसके कारण ये लगा कि भाई बंधन बैंक को प्रॉब्लम होंगे बंगाल में, इस बार उसका मेजर धंधा वहां है। तो ये जो 32% आपने एस्टिमेट लिखा है, यहाँ पे कुछ फर्क आना चाहिए, राइट? अब ये फर्क क्या आना चाहिए, ये रिजल्ट आएगा तब हमें पता चल जाएगा। सर, ये मैंने 2020 का प्राइस भी डाला हुआ है, यहाँ पर देखिए। हाँ, मैंने जो कोरोना का जो 2020 का इफेक्ट है ना, मैंने उसकी परफॉर्मेंस यही मान के चलिए ये कम होके आ रही है, तो 2021 का मैंने 0% मैं लेके चल रहा हूँ, 10% नेगेटिव लेके चल रहा हूँ। और इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू की निकालने के लिए पी की मैंने 2020 का एक्चुअल डाटा भी लिया हुआ है, ये देखिए आप, N30 पे। हाँ जी, ये मैंने 2020 का अलग से लिख कर एक्चुअल निकालने की कोशिश की है 2021 का। हमें फैक्ट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि बंधन बैंक बहुत ज्यादा टूटा है, आपके लोअर पी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे भी ज्यादा टूटा है। तो दो चीज होनी है यहाँ पे निकास, या तो इसके अर्निंग जबरदस्त घट के आने वाले हैं, जो आपने एस्टिमेट किया है उससे भी घट के आएंगे, या तो जो निवेशकों ने ये सोचा है कि इसके अर्निंग जबरदस्त घट के आएंगे वो गलत होंगे, दो में से कोई एक चीज होगी। मान लीजिए रिजल्ट इतने खराब भी नहीं आते हैं जितना ये टूटा है, तो क्या होगा? बाउंस आएगा बढ़िया। पर अभी जो रिजल्ट आएंगे, मान लीजिए फ्लैट आते हैं, तो फिर ये और नीचे जाके सेटल हो जाएगा यही भाव के करीब। बराबर, आपको इसके और एक क्वार्टरली रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा जो अभी आने ही वाला है। बराबर, ऐसा बहुत बार होगा, तो आपको थोड़ा वेट करके आपको पता चलेगा कि क्यों निवेशक इसके भाव को नीचे आंक रहे। बराबर ना सर? इसकी जो ग्रोथ है, ग्रोथ तो काफी देखे हम तो काफी अच्छी है, तो मेरा ये क्वेरी है कि लोएस्ट प्राइस से ये काफी नीचे चला गया, तो हमें इसकी कम्युलेशन स्टार्ट करनी चाहिए अभी। कर देखो, आप कर सकते हो, बहुत सस्ता है उसमें कोई डाउट ही नहीं है, राइट? अभी बंधन बैंक बिल्कुल सस्ता चल रहा है, उसमें कोई शंका नहीं। बराबर, आपको 17 रुपए का आप एस्टिमेट लेके चल रहे हो, 16 रुपया 15 रुपया कुछ भी आए, ये सब अच्छी यील्ड है। खाली ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधा प्रॉफिट आ जाए, है ना? अगर प्रॉफिट आधा आया तो सीधा 8 रुपए की अर्निंग हो जाएगी, ठीक है, राइट? ये वक्त बताएगा कि क्या अर्निंग इन लोगों की आती है, राइट? हाँ जी, ओके, चलिए तो मिलते हैं वापस नेक्स्ट 2 वीक के ट्यूटोरियल हो जाने दो, फिर हम 3rd वीक अभी वापस क्वेरी सेशन एक आधा रखेंगे। बराबर है? ओके जी, कहिए। यस, कहिए मैडम। एक क्वेरी थी मेरी, ये जो एनपीए एसबीआई कार्ड और एचडीएफसी दोनों का एनपीए मुझे उसमें पीएससी साइट पे नहीं मिला, तो एसबीआई कार्ड का तो मैंने कहीं और ही, मतलब ऑनलाइन कहीं और ही देख के लिया हुआ है। हां हां, एसबीआई का हमने एनपीए लिया हुआ है क्योंकि एसबीआई के डेटा में ही एनपीए बताए हुए हैं, पर अभी उनके रिजल्ट अपडेट हो जाएंगे ना, जैसे क्वार्टर अभी लेटेस्ट रिजल्ट एनुअल आएंगे, तो एनुअल रिजल्ट में आप देख पाओगे। पर एसबीआई के अलावा और किसकी बात कर रहे हो आप? उसके भी नहीं मिले आपको? एचडीएफसी, एचडीएफसी, ओके, नहीं उसके तो मिलने ही चाहिए। फाइनेंस की बात कर रहे हैं, लेट मी चेक एचडीएफसी। मैंने रिजल्ट ओपन किए एचडीएफसी के, मेरे को लगता है लास्ट टाइम की क्वेरी सेशन में आप नहीं थे, है ना?
उस समय एचडीएफसी पे थोड़ा डिस्कशन भी हुआ था हमारा। हाँ, तो मैंने उसमें एक कमेंट दी थी कि जो आपने जो डेटा डाले है ना मैडम, वो आपने स्टैंड अलोन के डाले है, तो आपको अपडेट कर लेने पड़ेंगे। देखो ये स्टैंड अलोन डेटा है, राइट, तो आपने ये डेटा डाले हुए है, आपके जो रिपोर्ट बनाया है एचडीएफसी में उसमें आपको कॉन्सोलिडेटेड डेटा डालने पड़ेंगे। मैं बता देता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे वो डेटा भी है बंधन बैंक वाला, ये हुआ नहीं उन्होंने कि ग्रुप में बंधन बंधन बैंक में 9.9% होल्डिंग एचडीएफसी ने बढ़ाई, कितना निवेश किया इन लोगों ने, 9,000 करोड़ डीरिकॉग्नाइज हुए। ये सारी कंपनियां है एचडीएफसी की, इन सब कंपनियों के प्रॉफिट एचडीएफसी में ऐड होते हैं। ओके, देखो ये कंसोलिडेटेड डेटा है, राइट, तो पिछले साल का सेल्स डेटा आपको इधर मिलेगा, कितना है टोटल इनकम 96,000 करोड़, राइट। अब आपने स्टैंड अलोन लिया हुआ है तो स्टैंड अलोन में 38,000 बता रही है, सीधी कितनी, तीन गुना इनकम हो गई इनकी, है ना, क्योंकि ये कंसोलिडेटेड डेटा है। एचडीएफसी में एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी लाइफ है, एचडीएफसी जनरल है, तो ये बहुत बड़ा इनकम दूसरे धंधों में से धंधा आता है, तो आप खाली ये कंसोलिडेटेड डेटा अपडेट कर दीजिएगा उसमें, बराबर है। और मेरे को जो आप एनपीए कह रहे थे, एनपीए देखने दो, अगर ये बैंक होती तो बैंक के एनपीए स्टैंड अलोन के जो रिजल्ट होते हैं ना उसमें यहाँ पे लिखे होते नीचे, बेसिक ईपीएस के बाद एनपीए लिख के आते, पर ये बैंक नहीं है, फाइनेंस कंपनी है, इसके मुझे सर्च करने दो अगर कोई जगह इन्होंने दिया है तो, एनपीए। अच्छा नहीं दिए हुए यहाँ पे, राइट, ये रिजल्ट में नहीं है एनपीए, तो यहाँ नहीं मिलेंगे आपको, अभी आपको इसको एनुअल रिपोर्ट में देखना पड़ेगा। राइट मैडम, एचडीएफसी के एनपीए ये रिजल्ट में नहीं है, उसमें भी शायद सही मैंने देखा है। हाँ नहीं, एनुअल रिपोर्ट यानी आप क्या कीजिएगा, यस मैडम, आप क्या कीजिएगा, जस्ट मैं बता देता हूँ, फाइनेंस और ये एनुअल रिपोर्ट दिख रहे हैं ना, यहाँ से ये डाउनलोड कर दीजिएगा, और ये पूरा जब डाउनलोड हो यहाँ पे कंट्रोल एफ करके एनपीए सर्च कर दीजिएगा, आ जाने चाहिए, बराबर ना, ठीक है, मैं एक बार ट्राई चेक कर लेती हूँ, फिलहाल तो मैंने देखा था तो मुझे नहीं मिला था, फिर भी एक बार चेक। ओके, एक बार ये कंट्रोल एफ करके आप चेक कर लीजिएगा, अगर बैंक होता ना तो उनकी पहली प्रायोरिटी एनपीए होती है, राइट, पर ये फाइनेंस कंपनी है, यहाँ पे इतना बड़ा रोल नहीं है, हालांकि रोल तो है पर इतना बड़ा नहीं है, राइट, तो बाहर नहीं देते हैं, बट फाइनेंस कंपनीज एनबीएफसी वगैरह जो फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस रहते हैं उसमें एनपीए का इतना रोल नहीं रहता, इन शॉर्ट नहीं रहता है, पर बैंकिंग के अंदर तो सीधा रिजल्ट में ही रिफ्लेक्ट हो जाता है, आप देख सकते हो डाउनलोड करके, मैंने अभी देखा। अच्छा देख लिया, ओके ओके, देख लीजिएगा मैडम आप उसमें है ओके, सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, और मिलेंगे अगेन नेक्स्ट वीक, चलिए गुड बाय।